उपलेटा तालुका में भी भारी बारिश की सीधी असर किसानों को पैदा हुए फसल की नुकसानी के चलते विधायक ललित वसोया द्वारा नुकसानी का मुआवजा देने की मांग करते हुए नव नियुक्त मुख्यमंत्री को संबोधित पत्र लिखा गया है। धोराजी उपलेटा के विधायक ललित वसोया द्वारा लोगों को मुआवजा चुकाने की मांग करते हुए नव नियुक्त मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को संबोधित पत्र लिखा गया है। पिछले दो दिनों से राज्य भर में लगातार बरस रही भारी बारिश की सीधी असर राजकोट जिला में तबाही को पैदा किया है। जहां धोराजी उपलेटा तालुका से गुजरती वैसी तीन बड़ी नदी में मानो बाढ़ के हालत पैदा हुए हो, वैसे आसपास के निचले और ग्रामीण विस्तारों में तबाही को पैदा किया है। खेतों में भी पानी भर जाने के कारण किसानों को काफी नुकसान पैदा हुआ है। जहां विधायक वैसे ललित वसोया द्वारा किसानों को नुकसानी के सामने मुआवजा देने की मांग करते हुए और लोगों को भी मुआवजा देने की मांग करते हुए नव नियुक्त मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को संबोधित पत्र लिखा गया है। छेला 24 कलाक नी अंदर धोराजी उपलेटा अने उपरवासना विस्तारों नी अंदर अति भारे वरसाद पड़वाने कारणे आ विस्तार नी अंदर आवेला मोज डेम, वेणु डेम, पानेली डेम अने भादर बे डेमनी अंदर अकल्पनीय पाणी आवता भयजनक सपाटीए आ बधा डेमो ओवरफ्लो थया छे। एने कारणे नदी काठाना जे गामो छे नीलाखा, लाइट, भीमोरा, पानेली, भायावदर, अणी, खीरसरा, भाक, सातवड़ी आ बधा गामोनी जमीन में आ नदीना पाणी फरी वळता खेडूतोना उभा पाक ने पारावार नुकसानी सहन करवी पड़ी छे। मारी सरकारी तंत्र ने विनंती छे के तात्कालिक धोरणे खेडूतोने थयेली नुकसानी नुं सर्वे करवामां आवे अने खेडूतोने खरेखर जे नुकसान थयुं छे एनुं वळतर चूकवामां आवे। राज्य सरकार में मुख्यमंत्री श्री ने पण मेल करीने रजूआत करी छे। तंत्र ने फरीथी विनंती करूँ छू के तात्कालिक धोरणे खेतीना नुकसानीनू सर्वे शुरू करवामां आवे।